अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी वालरस देखा, जिसे दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है? वालरस जिल की लंबाई वाला एक बहुत बड़ा जानवर। मेल की गर्दन और कंधों पर जिल की नमूक होती है। इनकी नशवोनुमा में जितना बड़ा इजाफा होता है, इतना ही वो फीमेल में पुरकशिश होता है। जिल की मोटाई 10 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है और चर्बी 15 सेंटीमीटर। मेल फीमेल से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ अफराद का वजन 2 टन तक होता है, लेकिन आम तौर पर 800 से 1500 किलो तक नहीं होता। फीमेल का वजन औसतन 500 से 800 किलोग्राम है। वालरोस की जिल्द गहरी भूरी रंग की होती है। ये बालिग जानवर वक्त के साथ साथ गंजा हो जाते हैं और इनकी जिल्द हल्की साए पर होती है। जिंदगी के अख्तितम तक बूढ़े अफराद तकरीबन गुलाबी हो जाते हैं। इन पेनीपेडस की एक मखसूस खसूसियत बड़ी बड़ी टिस्क है। इनकी लंबाई 1 मीटर तक पहुंच सकती है। वो फिसलते हुए सतह पर और बर्फ टूटने के दौरान जानवर की मदद करते हैं। टिस्क नीचे की तरफ हिदायत की गई बलाई लंबी लंबी कतारें हैं। नर में वो बड़े होते हैं और ये साथी के मौसम में दूसरे नरों के साथ लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऊपरी हूण पर सख्त मोटी एंटीना सेटा के साथ आंखें छोटी हैं। कान के सुराख जिल्द के नीचे छुपे हुए हैं और इनका कोई रास्ता नहीं है। दुम छोटी है। फ्रंट फ्लिप्स अच्छी तरह से तैयार हो चुकी होती हैं। और बहुत सारे दूसरे पैनी पैडों के बरखिलाफ वालरस को ज्यादा से ज्यादा आम तौर पर जमीन पर मुंतकिल करने की इजाजत होती है, जो सिर्फ जमीन पर रेंग ही सकते हैं। ये वालरस बहुत मिलनसार जानवर है, जो मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे की मदद करते हैं। वो एक साथ मिलकर मछलियों की हिफाजत करते हैं, आसनन खतरे का इशारा देते हैं और आम तौर पर वो अपने रेवड़ में शरीक तमाम शराकत दारों के लिए बहुत गर्म होते हैं। सिर्फ एक ही वक्त में जब वालरस बदमाश बन जाते हैं, तो ये मिलाप का दुरानिया होता है। इस वक्त बालिग जिंसी तौर पर बालिग मर्द औरत से हम आंगी के हक के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और रेवट में एक गालिब मुकाम रखते हैं। बाकी वक्त में ये जानवर जारहाना नहीं होते। वो इंसानों समेत अपनी फितरी दुश्मनों पर जारहियत का मुजाहिरा नहीं करते। हालांकि कश्तियों पर वालरस की हमलों के मामले को तस्वीरी शक्ल दे दी गई है। बर्फानी दौर के दौरान वालरस को शुमाल अर्जुल बलद में 37 डिग्री तक तकसीम किया गया था। इसका सबूत 28,000 साल की उम्र से मिलने वाली बाकियात से मिलता है। अमेरिका में फ्रांसिस्को के करीब इसी अर्ज बलद पर अफ्रीकी बर आजम यूनान जापान तुर्की की शुमाली सरहद है। इनके बड़े साइज के बावजूद वालरस पर कभी कभी कातिल वहील हमला आवर होती है। मजबूत कोरस के साथ वालरस पानी के नीचे अपने आप को थामे हुए बर्फ के किनारे से चिपक जाती है। वो जानवरों को ऊंची बर्फ पर चढ़ने में मदद करते हैं। और वालरस का मैदा इतना बड़ा है कि शुमाल के लोगों ने इसके लिए वाटरप्रूफ लेपट लिया। ठंडे पानी में जानवरों की खून की रगें बहुत कम हो जाती हैं, जिससे जानवरों की जिल्द तकरीबन सफेद हो जाती है। गोश के लोथरों जैसी नोकीली दांतों वाली वालरस अगरचे साथ रहती हैं, लेकिन एक ही मकाम पर हजारों वालरस को एक तंग मकाम पर मौजूद देखकर खुद माहिरीन भी हैरान हैं। रूसी साइंसदानों शिमाली रूस में आर्कटिक खत्ते के किनारे समंदर में एक ही जगह बहुत सारी वालरस को एक दूसरे पर गिरे हुए देखा है, जो या तो इनके कुदरती मस्कन की तबाही को जाहिर करता है या फिर सिकुड़ती हुई बर्फ और मौसमियाती तब्दीलियों की जानिब इशारा कर रहा है। ये मकाम यमल जजीरा नुमा के पास है, जहां वालरस आती रहती हैं। लेकिन इस बार एक ही जगह 3,000 से ज्यादा वालरस इस तरह देखी गई कि गोया किसी ने इनके ढेर लगा दिया है। माहिरीन का ख्याल है कि वालरस सिकुड़ती बर्फ से परेशान है और इस खित्ते में तेल और गैस खोजने वाले बड़े बड़े जहाजों से इनकी जिंदगी शदीद मुतासर हुई है। माहिरीन ने वालरस को खेलते या कूदते हुए देखने की बजाय इन्हें इसी तरह खौफ सदा देखा और यह मंजर बहुत तवील भी था।
तहकीक करने वाले रूसी साइंसदान में कहते हैं कि इस मजमे में नर और मादा वाल्रस के अलावा हर उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं। वाल्रस के दो बड़े नोकीले दांत एक आइस कुल्हाड़ी का काम देते हैं, जो कि पहाड़ों पर बर्फ को तोड़ने के काम देते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की शिकार जानवरों को शिकार करने के लिए काम देते हैं। वाल्रस ज्यादा समंदर की गहराई में नहीं जाते, ये ऊपर ऊपर से तैरते तैरते शिकार करते हैं, तकरीबन 80 मीटर तक जाते हैं और वहाँ से मछलियों का और दीगर कीड़े मकोड़ों का शिकार करके उनको खाते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।